अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे अमेरिका की एक स्ट्रीट है जिसका नाम व्योमिंग है। ये ज़्यादा मशहूर तो नहीं, यहाँ का एक छोटी सी सिटी है जिसका नाम है शेल्डन। यहाँ एक पाकिस्तानी बंदे का यानी एक पाकिस्तानी शख्स का मुजस्मा बना है, लेकिन क्यों आज की वीडियो पे हम यही बताएंगे। इस पाकिस्तानी बंदे का नाम शरीफ खान है और ये पिछले 100 साल से अमेरिका ही रह रहे थे और ये आए थे 1907 में अमेरिका यानी पाकिस्तान बनने से भी पहले। मगर यहाँ ये इतने मशहूर क्यों हुए, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, आज की वीडियो पे हम वही बताएंगे। तो आपसे गुजारिश है, वीडियो देखने से पहले हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट विदाउट योर टाइम वेस्ट। ये कहानी है उस वक्त की, तब 1907 में शरीफ खान अमेरिका आए थे यानी अमेरिका। तब ये अमेरिका आए थे, इनकी जेब में कोई रुपया भी नहीं था यानी बहुत गरीब इंसान थे। यहाँ इनको कोई ज़्यादा जानता भी नहीं था और उस टाइम अमेरिका के लोग ये समझते थे कि टूरिस्ट को अच्छा नहीं समझते थे और वो समझते थे कि ये हमारे कामों पे हाथ डालेंगे। मगर उनको क्या पता, शरीफ खान तो पाकिस्तान के फ़ख्र हैं। उन्होंने वहाँ एक छोटा सा बर्गर का बिजनेस किया और वो देखते ही देखते दिन ब दिन मशहूर होता गया और वो इतना मशहूर हुआ कि उन्होंने नाम यूके में मशहूर होता गया। नेक्स्ट इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे आप जानेंगे उनकी वालिदा का नाम क्या था, वो कहाँ रहते थे, पाकिस्तान के बंटवारे के बाद वो इंडिया की जगह आए या पाकिस्तान की, वो कैसे रहे, उनके बेटे कितने थे और वगैरह वगैरह। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।